लॉकअप रियलिटी शो से करण कुंद्रा को बतौर जेलर किसने किया रिप्लेस, हो गया है इस बात का खुलासा। खुद एकता कपूर ने किया ऐलान, अब नए जेलर कौन है, आइए मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि इन दिनों करण कुंद्रा अपने न्यू रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स को होस्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। 23 अप्रैल से फाइनली ये शो होने वाला है टेलीकास्ट ऑन एयर और आप कर पाएंगे कलर्स पर फाइनली डांस दीवाने जूनियर्स को फुल टू एंजॉय। लेकिन उससे भी बड़ी खबर आ रही है कि लॉकअप रियलिटी शो में जो कि करण कुंद्रा बतौर जेलर नजर आते थे, अब आखिरकार एकता कपूर ने करण की जगह किसी नए जेलर को अपॉइंट कर दिया है। तो करण कुंद्रा को किसने किया रिप्लेस, इस बात को जानने के लिए आप होंगे सुपर डुपर एक्साइटेड। तो आपको बता दूं कि एकता कपूर ने एक पिक्चर शेयर की है एक क्यूट लिटिल बॉय का और इस क्यूट लिटिल बच्चे के कैप्शन में लिखा है न्यू जेलर कैदी या फिर हु इज ही खबरी, कौन है ये, हु इज ही, ऐसा लिखते हुए फाइनली एकता कपूर ने एक छोटे से बेबी का पिक्चर शेयर किया है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि तुषार कपूर का बेटा है। उसकी पिक्चर पर उन्होंने लिखा है कैदी जेलर खबरी आखिरकार हु इज ही। अब इसी वेल पिक्चर पर बैक टू बैक काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं जहाँ कंगना रनौत ने ये भी कह दिया है ही इज़ आवर लिटिल आई कैंडी। तो आपको बता दूँ कि कंगना रनौत से लेकर हर कोई फाइनली तुषार के इस क्यूट लिटिल बेटे को देख कर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं और खास तौर पर लॉकअप के सेट पर स्पॉट किया गया है इस क्यूट लिटिल बेबी बॉय को। वेल आपको ये भी बता दूं कि करण कुंद्रा को कोई भी रिप्लेस नहीं कर रहा है, इट वाज जस्ट अ फनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं एकता भी एक मजाक के तरीके में उन्होंने इस बच्चे के पिक्चर को शेयर करते हुए ये सारे कुछ लिखे थे। और फाइनली आपने भी अगर इसे सीरियस लिया होगा तो डोंट टेक इट सीरियसली गाइस, बिकॉज करण इज़ इररिप्लेसेबल। जैसा आप सभी को पता है कि करण कुंद्रा के आते ही लॉकअप की TRP आसमान छूने लगती है, तो आफ्टरऑल एकता कैसे कर सकती है करण को रिप्लेस। तो आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके रिएक्शन, हमें बताएं कमेंट करके। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल के साथ।